असलकम स्टूडेंट्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की साइकिल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एनविजनिंग है एनविजनिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एन आइडिया अ सिचुएशन एक सोशल नीड या एक सोशल कॉज जिसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है कोई मसला जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है उस सिचुएशन का एनालिसिस और एक पॉसिबल सोलूशन कि किस तरह से उसको मसले को हल किया जा सकता है या उस नीड को पूरा किया जा सकता है अनविशनिंग रिक्वायर्स एन इनोवेटिव थिंकर हम में से हर कोई जो है वो थिंकर तो थोड़ा बहुत होता है लेकिन एक विश्नरी थिंकर होना जो है वो कुछ अलग है वो वो चीज़ है जिसको बिल्ड रेटन ने कहा था कि सोशल एंटरप्र्योर्स में कुछ खास होता है जो इन द लॉन्ग रन उनको सोशल एंट्रप्रोर बनाता है हम सब के जहन में मुख्तलिफ आइडियाज़ आते हैं लेकिन या तो हम उन्हें पूरा प्रोसेस नहीं करते या हम उनको यूटिलाइज़ करने के बारे में नहीं सोचते और इवन अगर यूटिलाइज़ करने के बारे में सोचते हैं तो इनोवेटिवली हाउ डिफरेंटली वी यूज़ डेम फ्राम वॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट वो हम में से अक्सर लोग नहीं करते नतीजतान बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज जो जहन की है उसमें पड़े रहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर विजनरी इसलिए है कि वो उस आइडिया को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करता है बल्कि वो उसका एनालिसिस करता है और उसको फिर वो इम्प्लीमेंट करने के हवाले से सोचता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है ये विजनरी जो है ज़रूरी नहीं है कहीं बहुत बड़ा कोई लीडर हो कोई बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन उसकी हो कोई भी हो सकता है हाँ वो कोई बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हो सकता है क्योंकि उसका एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस है तो उसके नज़दीक आइडियाज़ को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना आसान है वो किसी एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी एंटरप्राइज है उसका एम्प्लॉई कोई हो सकता है ये हो सकती है और वो कोई एक आम शहरी एक गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो सकता है जो कि किसी मसले को हल करना चाहता है अपने फेलो सिटीजनस के लिए अपने मुआरे के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है अगर ये विश्नरी जो है वो कोई बिज़नेस एंटरप्रेन्योर है या किसी ऑलरेडी एंटरप्राइज में एम्प्लॉय है तो प्रोबेबली उसके पास एक आइडिया कहीं से उसके जहन में कोई चीज़ आती है वो कोई नोटिस करता है कि उसके पास कोई मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है और उसका बिजनेस उसकी कंपनी या उसकी फार्म जो कि फार प्रॉफिट है वो उसको हल करने में कंट्रीब्यूट कर सकती है तो यहाँ से ये एक तरह से आसान स्टार्टिंग पॉइंट साबित होता है मे भी यह जो विश्नरी एम्प्लॉई है उसके पास आइडिया तो हो कि कुछ किया जाना चाहिए लेकिन उसके पास या तो सोलूशन ना हो रिसोर्स ना हो या फिर उसकी अथॉरिटी ना हो कि वो इस बारे में कुछ कर सके और अगर ये विश्नरी uh, एंट्रप्रनोर जो है या जिसका आइडिया है वो खुद बॉस है फर्म का मालिक है सीईओ है तो प्रोबेबली दे हैव द अथॉरिटी बट मे नॉट हैव स्ट्रेटी वो बोर्ड के सामने चीज़ों को रख सकते हैं आइडिया को और मिलजुल कर अपनी टीम को टास्क दे सकते हैं प्लान फार्मूलेट करने का उसको एक रिस्पॉन्सिबलिटी ख्याल करते हुए कि कंपनी या फॉर्म या बिजनेस एंटरप्राइज जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबलिटी है कि वो उस सोशल कॉज के लिए कुछ करे मसला इन्वायरमेंट जो है बेहतर इन्वायरमेंट के लिए वेस्टेज जो है उसकी मैनेजमेंट का काम कोई भी बिज़नेस एंटरपेन्योर जो है वो उसको ऑप्ट कर सकता है उससे ना सिर्फ उसके बिजनेस को बल्कि कम्युनिटी को और लार्जर सोसाइटी और एनवायरमेंट को फायदा होगा तो जो खुद एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड लोग रखते हैं उनके लिए एक आप कह सकते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ देर विजन के उसको इंप्लीमेंट करना है लेकिन एक आम शहरी गुड सिटीजन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो कि जिसके पास से एक आइडिया एक स्पार्क है कि कुछ किया जाना चाहिए कोई मसला हल करना जिसका अपना हो सकता है एक्सपीरियंस हो उस ज़रूरत के हवाले से या उस मसले के हवाले से वो क्या करें यूजली ये लोग जो हैं वो अपने आइडिया अपने विजन को दूसरे लोगों से शेयर करना शुरू करते हैं आ, आ, उनके साथ बातचीत करते हैं इस बातचीत अमल में इस कम्युनिकेशन के अमल में ना सिर्फ उनका अपना आइडिया क्लियर होता जाता है बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मुख्तफ स्ट्रेटजीज़ जो हैं जो क्रिटिसिज्म उनको सुनने को मिलता है वो चैलेंज वो प्रेशर के लोग इसके आइडिया को चैलेंज कर रहे हैं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उसको उसका जवाब लाना है उसका विजन जो है वो बेहतर होता जाता है ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल होता जाता है सो इनिशियली दे आर जस्ट टॉकिंग आप कह सकते हैं कम्युनिटी मीटिंग्स में पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग है कोई कम्युनिटी क्लब है लोग नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं तो लोग शहरी जो है कोई एक ज़िम्मेदार शहरी किसी मसले के बारे में बात करता है और फिर वो बात चल पड़ती है अगर वो लोगों की तवज्जो ले ले फिर कुछ लोग वॉलंटियर कर देते हैं उसके साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं उस कॉज़ को अपना लेते हैं ज़रूरत को पूरा करना जो है वो भी अपनी रिस्पॉन्सबिलिटी महसूस करने लगते हैं नेक्स्ट लेवल जो है वो शहरी आम शहरी जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या इवेंचुअली बन जाता है वो नहीं जानता कि वो एंटरप्रेनशिप कर रहा है लेकिन फिर वो ज़्यादा फॉर्मल सेटअप्स में अच्छा रिसोर्स चाहिए तो कहाँ देखें इसकी कोई लीगल एम्प्लीकेशनस हैं तो कौन से महकमे से इजाज़त ली जाए किस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो वॉल्टियर्स हैं हमारे दरमियान रोल्स की क्या तकसीम होगी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो ज़्यादा कंक्रीट शेप में लाना शुरू कर देता है और फाइनली वो एक फॉर्मल शेप में एक सोशल एंटरप्राइज जो है किसी कॉज के लिए या किसी नीड को एड्रेस करने के लिए उसको स्टार्ट कर सकता है तो बेसिकली जो आइडिया है सिंपली आइडिया इज़ नॉट सफिशेंट हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं उसको टू ट्रांसलेट इन टू विजन या हम कह सकते हैं कि आइडिया और विजन के दरम्यान जो फ़र्क है वो उसकी क्लैरिटी उसकी शार्पनेस उसके इम्प्लीमेंटेबल होने का है और सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो स्टार्ट में भी आइडिया से करें लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं एंटरप्राइज को स्टार्ट करने में उसमें पहला जो आप फेज़ या स्टेज या स्टेप या प्रोसेस कह सकते हैं वो एनविजनिंग देयर आइडिया है थैंक यू